हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कम्युनिकेशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जानी है, आपके देखा जाए तो 10 से और 19 दिसंबर के मध्य, तो उस पर बात करेंगे। कट ऑफ कितनी जा सकती है आपका, यूपी की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, झारखंड की, और आपका देखा जाए तो दिल्ली की, पुदुचेरी की, तमिलनाडु की। कट ऑफ का मतलब यह है कि आपका जो एडमिट कार्ड है कितनी परसेंटेज पर लौट कर आएगा, आपकी जो 12th में परसेंटेज थी उसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड लौट कर आना है। आपको वो सिलेक्टेड करेंगे, आपको वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे कि आपको वो रैली की भर्ती में बैठने का मौका देंगे या फिर नहीं देंगे। तो क्या था, कभी एक कल मेरे पास 2 से 3 ऐसे फ़ोटो आ रखे थे जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था यूपी का देखा जाए तो 4 लाख प्लस था। तो हमने देखा था 28 तारीख सुबह तक आपका 70 से 80 हज़ार कैंडिडेट के फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 29 तक आपका देखा जाए तो 4 लाख प्लस कैंडिडेट के फॉर्म भर गए। तो ऐसा मैंने भी बोला था वीडियो में, ऐसा मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन 2 से 3 फ़ोटो आ रखे थे तो तभी मैंने बोला था कि आपके 4 लाख प्लस फॉर्म भर दिए गए हैं। तो अभी क्या है कि ऐसा हुआ नहीं है, आपका यूपी सेंटर से केवल देखा जाए तो कानपुर सेंटर पर करीब करीब 1.5 लाख फॉर्म भरे गए होंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो यूपी की कट ऑफ पर बात कर सकते हैं कि यूपी कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपका देखा जाए तो अप्रॉक्स 1.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। आपके शॉर्ट लिस्ट कितने किए जाएंगे कैंडिडेट, मात्र अप्रॉक्स 2 से 2.5 हज़ार कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपका रैली की भर्ती के लिए। तो आप इसी से आप अंदाज़ा आराम से एक्सपेक्टेड कर सकते हो, आप भी एक अनुमान लगा सकते हो आपकी जो कट ऑफ है यूपी के लिए, देखिए ये एक्सपेक्टेड है और इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है आपका 85। मैं तो अपनी ओर से 85 बनाता हूँ, आप भी अपना एक्सपेक्टेड कर सकते हो, क्योंकि 1.5 लाख अप्रोक्स आपके फॉर्म फिल हो चुके हैं। आपको वहाँ केवल 2 से 2.5 हज़ार कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे जो रैली की भर्ती में जाएंगे। तो आपका 85 श्योर है, 85 कि अप्रोक्स आपका यूपी ही कट ऑफ जाने वाली है। वहीं आप बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो कट ऑफ है उत्तराखंड और दिल्ली, क्योंकि दोनों का सेम ही है, आपका सेकंड एएससी पर ही रैली की भर्ती होनी है। तो इस पर देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ है 78 और 77 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ जाने वाली है दिल्ली और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 9,000 कैंडिडेट के फॉर्म भरे गए हैं। दिल्ली और उत्तराखंड से 9,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। वही बात करें तो मध्य प्रदेश से लगभग 30,000 कैंडिडेट के फॉर्म भरे गए हैं देखा जाए तो भोपाल के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका 77 और 78, यही आपका देखा जाए तो दिल्ली और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सेम कट ऑफ रह सकती है। तो 78 आप मान सकते हो कट ऑफ जा सकती है मध्य प्रदेश की। वहीं बात करें झारखंड, तो झारखंड पर कुल मिलाकर 13,000 फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है अराउंड 78 या फिर 79 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ जाने वाली है झारखंड के लिए। हम वहीं तमिलनाडु और आपका देखा जाए तो पुदुचेरी सेंटर की, तो वहाँ की जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने के चांसेस रहेंगे, आपका 70 के अराउंड आपकी कट ऑफ बनने वाली है। जो कैंडिडेट तमिलनाडु और पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो कट ऑफ है 70 के अराउंड बनने वाली, हो सकता है इससे भी कम चली जाए। तो अराउंड आपकी 70 के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो हमने यूपी की बता ही दी आपकी 85 अप्रोक्स, आपका देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आपका 78 79 के अप्रोक्स बनने वाली है। वहीं उत्तराखंड और दिल्ली की भी अप्रोक्स 80 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आपका देखा जाए तो सब कुछ हम क्लियर ही कर चुके हैं इस वीडियो में, अपना एक्सपेक्टेड कर ही चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रत्येक सेंटर के लिए आपका अप्रोक्स 2,000 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। वहीं आपका एडमिट कार्ड पर बात करेंगे, आपका जो एडमिट कार्ड है कब तक शो कर दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड आपका 5 दिसंबर तक आ जाएगा। तो बिल्कुल आपका डेफिनेटली श्योर आपका 5 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि आपका 10 दिसंबर से रैली प्रारंभ हो जाएगी और 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड शो कर दिया जाता है। तो आपका 5 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा और जैसे ही आपका जो रैली की भर्ती प्रारंभ हो जाएगी, आपको तुरंत रिव्यू मिलेंगे इसी चैनल पर। तो ऐसे ही आप बने रहें इस चैनल पर, जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।